नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का नया हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे विटिलाइगो के बारे में। ये वो बीमारी है जिसमें शरीर पर सफेद रंग के दाग हो जाते हैं। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। आपको पता है कि आपके हाथों के नाखून पैर के नाखूनों से जल्दी बढ़ते हैं। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे कि अखरोट खाने का सही तरीका। मैंने बचपन से मम्मी को एक बात कहते हुए सुना है, मछली के ऊपर दूध नहीं पीना चाहिए, सफेद सफेद चखत्ते हो जाते पूरे शरीर पे। आई एम श्योर आपने भी पक्का ये सुना होगा। खैर, हम तो ये सुन सुनकर इतना डर गए कि दूध के साथ मछली तो छोड़ो, हमने मछली खानी छोड़ दी। वो तो बहुत बाद में जाकर पता चला कि जिस बीमारी की बात मम्मी कर रही थी, असल में उसे विटिलाइगो कहते हैं। नाम शायद कई लोगों को मालूम ना हो, पर ये बीमारी दिखती कैसी है ये आपको पक्का मालूम होगा। इसमें चेहरे पर, हाथों पर, पैरों पर, शरीर के बाकी हिस्सों पर बड़े बड़े सफेद सफेद चखत्ते हो जाते हैं। पर दिक्कत पता है क्या है, लोगों में इस बीमारी को लेकर काफी गलत फहमियां हैं। जैसे अब ये मछली और दूध वाला एग्जाम्पल ही ले लो। मैंने भी पूरी लाइफ यही माना कि मछली पर दूध अगर आप पी लेंगे तो आपको बीमारी हो जाएगी। पर फिर मेरी बात हुई डॉक्टर प्रांजल जोशी से। स्किन के डॉक्टर हैं और विटिलाइगो में काफी कुछ इनकी जानकारी है, इसके ऊपर इन्होंने काफी एक्सटेंसिव रिसर्च की है। उन्होंने बताया कि ये सच नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ एक मिथक है। तो हमने सोचा कि उनसे इस बारे में और पूछा जाए। तो चलिए ये जानते हैं कि ये विटिलाइगो आखिर है क्या और इससे जुड़ी जो मेजर गलतफहमियां हैं, जो बहुत ही आम गलतफहमियां हैं, वो कौन कौन सी है। विटिलाइगो या फिर ल्यूकोडर्मा चमड़ी की एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हमारी चमड़ी के ऊपर व्हाइट पैचेस या फिर सफेद धब्बे हो जाते हैं। देखा गया है कि विश्व भर में लगभग 1% लोगों में यह बीमारी पाई जाती है। होने को तो शरीर के किसी भी हिस्से में इस तरह के व्हाइट पैचेस हो सकते हैं, होने को तो मुंह के अंदर, नाक के अंदर भी इस तरह के व्हाइट पैचेस हो सकते हैं। लेकिन शरीर का वो हिस्सा जहाँ पे कि हमारी चमड़ी रगड़ खाती है, जैसे कि कमर, जहाँ पे हम आमतौर पे बेल्ट पहनते हैं, या फिर हमारे हाथ, पांव और हमारे घुटने, जहाँ पे कि देखा जाता है कि लोगों को चोट वगैरह काफी लगती है, वहां पे रगड़ खाने से या फिर चोट लगने से इस तरह के व्हाइट पैचेस फैल सकते हैं। इस बीमारी के कोर्स को प्रिडिक्ट करना बहुत ही कठिन होता है। कई लोगों में देखा जाता है कि ये बीमारी सालों साल वैसी की वैसी है और दो चार निशान कहीं हैं और वो वैसे के वैसे हैं। कई लोगों में देखा जाता है कि ये निशान कुछ ही महीनों में शरीर के काफी बड़े हिस्से में हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि ये बीमारी होती कैसे है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा ऑटो इम्यूनिटी को। देखिए, इम्यूनिटी को तो हम आज सब जानते ही हैं। इम्यूनिटी का मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जीवाणु विषाणु के अलावा अपने ही शरीर के कुछ सेल्स के विरुद्ध काम करने लग जाती है और अपने ही सेल्स का विनाश कर देती है, उसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। विटिलाइगो में ये सेल्स हमारे शरीर में होते हैं मिलानोसाइट्स, जिसके अगेंस्ट इम्यूनिटी हो जाती है, ऑटो इम्यूनिटी, और उस कारण से मिलानोसाइट्स का नाश हो जाता है और मिलानोसाइट्स से मिलानिन नहीं बन पाता, जिस कारण से शरीर का, चमड़ी का वो हिस्सा जहां पे मिलाने नहीं है वहां पे व्हाइट पैच बन जाता है। जो लोगों को विटिलाइगो है उनको विटिलाइगो होने से काफी मानसिक तौर पे तनाव रहता है। उसका कारण ये है कि हमारे समाज में काफी गलत धारणाएं इसके बारे में फैली हुई है। कई लोग ये मानते हैं कि विटिलाइगो छूने से फैलता है, जो कि सरासर गलत है, ऐसा नहीं होता। कई लोग ये भी मानते हैं कुछ तरह की खाने की चीजों का सेवन करने से विटिलाइगो हो सकता है, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि कुछ खट्टी चीजें खाने से, या फिर कई बार कहते हैं फिश ऑयल खाने से, या फिर फिश ऑयल और दूध साथ में लेने से विटिलाइगो हो सकता है। ये भी बिल्कुल सरासर झूठ है। इसके अलावा कई लोग विटिलाइगो को लेप्रसी या फिर कुष्ठ रोग का एक रूप मानते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि लेप्रसी या फिर कुष्ठ एक अलग बीमारी है और विटिलाइगो एक दूसरी ही बीमारी है, जिन इन दोनों का एक दूसरे से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि लेप्रसी का भी आज की तारीख में पक्का इलाज हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा कई बार लोगों का ये भी मानना होता है कि चमड़ी के जिस हिस्से में व्हाइट स्पॉट्स हैं वहां पे कैंसर वगैरह हो सकते हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि ऐसा भी सरासर गलत है। सुना आपने, पर ये तो हुई बात बीमारी की और उससे जुड़ी जो गलत फहमियां हैं उनकी। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर कि इसका इलाज क्या है और क्या विटिलाइगो से बचा जा सकता है, कोई प्रिवेंशन है क्या।
अब सुनिए डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। इस बीमारी का इलाज दवाइयों के द्वारा संभव है। दवाइयों से बीमारी को नियंत्रण में किया जा सकता है, जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। इस बीमारी को सोचकर मानसिक तनाव ना लें, क्योंकि मानसिक तनाव लेने से यह बीमारी बढ़ सकती है। उपचार के दो पहलू हैं। पहला रीपिगमेंटेशन, यानी सफेद निशानों में रंग लाना, और दूसरा डिजीज एक्टिविटी कंट्रोल, यानी नए निशान ना आए या पुराने निशान आकार में ना बढ़े, इस चीज के लिए उपचार करना। उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर का कितना प्रतिशत हिस्सा इस बीमारी से ग्रस्त है, यानी परसेंटेज बॉडी सरफेस एरिया ऑफ स्किन। विभिन्न प्रकार की पद्धतियां जैसे टॉपिकल, सिस्टमिक या फोटोथेरेपी का इस्तेमाल करके इस बीमारी का इलाज किया जाता है। टॉपिकल थेरेपी में विभिन्न क्रीमों का इस्तेमाल किया जाता है। फोटोथेरेपी या लाइट थेरेपी में अल्ट्रावायलेट रेस, यानी सूर्य की नीली किरणों का इस्तेमाल होता है। आजकल एक नई लेजर जो कि एक्साइमर लेजर के नाम से जानी जाती है, उसका इस्तेमाल भी इस बीमारी के लिए किया जा रहा है। सिस्टमिक थेरेपी में कुछ खाने वाली दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार त्वचा रोग विशेषज्ञ इम्यूनोसप्रेसेंट्स दवाइयां जैसे कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, ताकि शरीर की ऑटो इम्यूनिटी को रोका जा सके। इस बीमारी में ऑटो इम्यूनिटी एक विशेष महत्व रखती है। कठिन परिस्थितियों में कई बार रंग वापस आना मुश्किल होता है। उन केसों में कैमोफ्लाज, यानी स्किन कलर की कुछ क्रीमों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सफेद निशानों को ढका या छुपाया जा सके। उपचार की ड्यूरेशन, यानी पूरी उपचार की कितनी अवधि रहेगी, इस चीज को तय नहीं किया जा सकता। इस बीमारी से बचाव के लिए कोई वैक्सीन या कोई दवा उपलब्ध नहीं है। इस बीमारी से डरे नहीं। उम्मीद है आप में से जो लोग विटिलाइगो से जूझ रहे हैं या किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि इस बीमारी से जूझ रहा है, उन्हें इसमें मदद जरूर मिलेगी। अब बढ़ते हैं सेहत के दूसरे सेगमेंट की तरफ। रात में नाखून नहीं काटने चाहिए, थर्सडे और सैटरडे को नाखून नहीं काटने चाहिए। अब नाखूनों से जुड़ी ये कही सुनी बातें तो बहुत हैं, पर क्या नाखूनों से जुड़ी ये रोचक बात आपको मालूम है? आपके हाथ की उंगलियों के नाखून आपके पैर की उंगलियों के नाखून से जल्दी बढ़ते हैं, तभी तो आपको ये नाखून, यानी ये वाले, जल्दी जल्दी काटने पड़ते हैं। पैरों की बारी तो कभी कभी आती है, और तो और हाथों की उंगलियों के नाखून पैरों की उंगलियों के नाखून से 2 से 3 गुना ज्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है? वजह है कि हाथों के नए नाखून आने में लगता है कम से कम 6 महीने का समय, पर पैरों के नए नाखून आने में लगता है लगभग 1 साल का समय। ये ज्यादा लेट लतीफ है। एक वजह यह भी है कि इन्हें धूप और हवा कम मिलती है, बेचारे ढके हुए रहते हैं हाथों के नाखूनों के मुकाबले। दूसरी बात, साइंटिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि आप अपने हाथ के नाखूनों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पैर के नाखूनों से। एक्चुअली हाँ, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने पैर के नाखून आखिरी बार कब इस्तेमाल किए थे, या कभी किए थे भी कि नहीं किए थे। हाथ के नाखून तो खुजाने से लेकर ढक्कन खोलने तक हर जगह काम आते हैं, और क्योंकि ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये घिसते हैं, ये टूटते हैं, इसलिए बढ़ते भी जल्दी हैं। नाखून हमें कुदरती तौर पर मिले हैं एक प्रोटेक्टिव टूल के रूप में, यानी इनका इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए किया जाता है नेचुरली। इसलिए ये जितना ज्यादा काम में आएंगे उतना ज्यादा डैमेज होंगे, फिर उतनी ही जल्दी ये रिपेयर भी होंगे, समझे? ये बायोलॉजी है बड़े कमाल की चीज। खैर, अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक मस्त सी हेल्थ टिप। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि बादाम क्यों भिगोकर खाना चाहिए। आज बात करेंगे कि अखरोट, यानी कि वॉलनट, उसे खाने का सही तरीका क्या है। बहुत लोग क्या करते हैं कि अखरोट तोड़ा और ऐसे ही खा गए। ठीक है, आपकी मर्जी है, पर अखरोट खाने का एक और तरीका है जिसे कहते हैं सही तरीका, और वो है उसे बादाम की तरह भिगोकर खाना। करना वही है, रात भर अखरोट को आप भिगोकर रखिए पानी में, सुबह खाली पेट जो है उसे खा लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक चीज और जो है आप नोटिस करेंगे कि भिगोए हुए जो अखरोट है उनका जो टेस्ट है वो ज्यादा बेहतर होगा। वजह है कि पानी में रहने के बाद उसके ऊपर जो चढ़ी हुई एक भूरी सी परत होती है वो हट जाती है, इसे कहते हैं टैनिन। वही जो बादाम के ऊपर होती है, ये एक तरह के बैरियर की तरह काम करती है, न्यूट्रिएंट बोले तो पोषण को रोक कर रखती है। एक बार ये हट जाए तो ना सिर्फ टेस्ट बेहतर हो जाता है, बल्कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपके पेट में जाते हैं, बीच में कोई दीवार नहीं होती। दूसरी बात,
भिगोए गए जो अखरोट हैं वो डायबिटीज वालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, खासतौर पर जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज होती है। यही नहीं, ये कैंसर सेल्स को भी शरीर में बनने से रोकते हैं, साथ ही आपकी हड्डियों और दांतों को भी मजबूत करते हैं। देखा कितने सारे फायदे हैं अखरोट के। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो जो ईमेल आईडी आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर मुझे एक मेल भेज दीजिए। हमारे साथ कैमरे के पीछे है अमितेश। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर तो जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया एपिसोड अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।